बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज़ अ नेटवर्क। नेटवर्क इज़ एन इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। नेटवर्क जो है वो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को ज्वाइन करने से बनता है और वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे के रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज। आप देखें, ये एक सिंपल नेटवर्क है जिसमें ये एक मेन कंप्यूटर है जो कि सर्वर कहलाता है और उसके साथ डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं जो कि क्लाइंट्स कहलाते हैं। अब ये जो मेन सर्वर है ये इनको तमाम क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और ये तमाम क्लाइंट्स जो हैं वो इसके सर्विसेज को और रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। मेन सर्वर जो है इसको जो ऑपरेट कर रहा है वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इसको ऑपरेट करता है, उसको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं और वो इन तमाम क्लाइंट्स को उनके राइट्स और प्रिविलेजेस के मुताबिक उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, एक दूसरे को डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, एक दूसरे से डाटा को रिसीव भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो इनके दरमियान में जो कनेक्शन के लिए जो मीडियम है वो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेटवर्क के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। फोर बेसिक नेटवर्क कंपोनेंट्स हैं जिसमें फर्स्ट है सेंडर। सेंडर जो है वो डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होगा जो कि थ्रू नेटवर्क है, जो कि एक कंप्यूटर भी हो सकता है, एक लैपटॉप भी हो सकता है और एक मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है। इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा ओवर अ नेटवर्क। सेकंड इज़ रिसीवर। रिसीवर जो है ये उसी जो सेंडर जो डाटा सेंड करेगा, रिसीवर उसको रिसीव करेगा थ्रू नेटवर्क और ये भी एक कोई कंप्यूटर भी हो सकता है, इसके अलावा कोई प्रिंटर या फैक्स मशीन भी हो सकती है। थर्ड वन इज़ कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस इन दोनों कंप्यूटर्स में होगी, सेंडर साइड पे भी होगी और रिसीवर साइड पे भी। इन दोनों में कम्युनिकेशन डिवाइस का होना ज़रूरी है। अगर इन दोनों में कम्युनिकेशन डिवाइस होगी तो वो एक दूसरे के साथ नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होंगे। कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर एग्जांपल जैसे मोडेम है, मोडेम जो है वो इन दोनों कंप्यूटर्स में होगा, सेंडर साइड पर भी होगा, रिसीवर साइड पर भी होगा, जो कि मैसेज को या डाटा को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करने के लिए यूज़ होगा और इसके थ्रू ही आप नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज नेटवर्क अगर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी होंगे तो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। फोर्थ वन इज़ ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम का होना भी ज़रूरी है इन दोनों को, सेंडर और रिसीवर को आपस में कनेक्ट करने के लिए, ताकि वो एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सकें और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। ट्रांसमिशन मीडियम कोई भी चैनल है जो कि वाइड भी हो सकता है जैसे कि टेलीफोन लाइंस और वायरलेस भी हो सकता है जैसे कि एयर। नेक्स्ट वो टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब हम देखेंगे कि नेटवर्क की कितनी टाइप्स हैं, इनकी टाइप्स नेटवर्क की जो टाइप्स हैं वो उसके ज्योग्राफिकल एरिया और इसके नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पे बेस करती हैं कि कितने कंप्यूटर्स जो हैं किसी नेटवर्क में आपस में कनेक्टेड हैं या फिर कितने ज्योग्राफिकल एरिया को कोई भी नेटवर्क जो है वो कवर कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इसका ये किसी एक रूम या एक बिल्डिंग में जो नेटवर्क होगा वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा, क्योंकि जैसे कि नाम से ही लग आपको पता चल रहा होगा कि ये एक छोटा एक स्मॉल नेटवर्क है, जो कि जैसे कि आपकी स्कूल में कंप्यूटर लैब है उसमें जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये जो नेटवर्क है वो लैन कहलाएगा। इसके अलावा जितने भी हम टाइप्स पढ़ेंगे इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपकी बुक में हैं, वो सारे आपने थॉरली इनको पढ़ना है। नेक्स्ट इज़ मैन।
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये जो नेटवर्क है ये किसी एक सिटी को कवर कर रहा होगा, यानी कि इसका ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो एक रूम से बढ़कर, एक बिल्डिंग से बढ़कर एक सिटी के अंदर होगा, और डिफरेंट लेयर्स आपस में मिलके मैन बनाते हैं, बना सकते हैं, और ये एक सिटी को कवर करने के लिए यूज़ होगा। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल है केबल टीवी, इसके अलावा PTCL एक्सेट्रा, ये सब जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आ जाएंगे। इसके अलावा है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क ये एक डिफरेंट कंट्रीज़ और डिफरेंट कॉन्टीनेंट्स को आपस में ज्वाइन करेगा, और ये जो है वो लार्जेस्ट नेटवर्क है जिसमें इंटरनेट इसकी एग्जांपल है, जो कि पूरे वर्ल्ड को कवर कर रहा है, और इससे हम पूरे दुनिया के जो पीपल हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अब हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। जो मेन कम्युनिकेशन डिवाइस यूज़ होती है वो मोडेम कहलाती है। मोडेम टू वर्ड से मिलकर बना है, ये वर्ड जो है मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट। मॉड्यूलेट से MO लिया गया और डीमॉड्यूलेट से DEM, तो ये इससे इन दोनों से मिलकर मोडेम बना है। अब ये देखें कि मोडेम का काम क्या है, कि ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कर रहा है। ये सेंडर है, सेंडर जब डेटा को ट्रांसमिट करेगा तो वो डिजिटल फॉर्म में होंगे, अब डिजिटल सिग्नल्स होंगे। जब डेटा यहाँ से मोडेम इसको कन्वर्ट करेगा, सेंडर साइड पे इसको कन्वर्ट करेगा इनटू एनालॉग सिग्नल्स, जो कि ट्रांसमिशन मीडियम या चैनल के थ्रू ट्रांसमिट होंगे, जो कि ट्रैवल करेंगे, क्योंकि वो डिजिटल फॉर्म में ट्रैवल नहीं कर सकते, वो एनालॉग फॉर्म में ट्रैवल करेंगे। इसमें जो मीडियम है वो एयर भी हो सकती है, और इसके अलावा टेलीफोन लाइंस भी हो सकती हैं, केबल्स भी हो सकती हैं, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद जो रिसीवर है उस साइड पे भी एक मोडेम होगा, जो कि इसको डीमॉड्यूलेट करेगा उन सिग्नल्स को, यानी कि उनको दोबारा डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, जो कि रिसीवर उसको फिर रिसीव कर सकेगा। तो इसी तरह ये जो मोडेम है वो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए यूज़ होगा, ठीक है। और ये दोनों साइड पे, सेंडर साइड पे भी और रिसीवर साइड पे भी मोडेम होगा, तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू नेटवर्क। नेक्स्ट जो हमारी कम्युनिकेशन डिवाइस है वो NIC है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी जो है वो कंप्यूटर्स में होगा, तो या डिवाइसेस में होगा, तो वो एक दूसरे के साथ नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होंगे। और ये भी यही काम कर रहा है कि डेटा को प्रिपेयर करेगा कि वो ट्रैवल कर सके, और फिर सेंडर उसको सेंड कर सके, ट्रांसमिट कर सके, और रिसीवर उसको रिसीव कर सके। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो आजकल वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज़ होते हैं, जिनको WNIC कहा जाता है। वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो रेडियो वेव्स को यूज़ करेगा फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। अब जो है ये जितने भी अभी हमने टॉपिक पढ़े हैं इनको सब को आपने पढ़ना है, याद करना है, और इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं उनके जितने भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वो सारे आपने याद करने हैं, उनको लर्न करना है, और एक्सरसाइज में जितने भी इससे इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे आपने अपनी नीट कॉपी पर सॉल्व करने हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।